स्वागत है आप लोग का वापस से एक और नए ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग्स हम अपने खेत में शूट कर रहे हैं। दोस्तों जो कि हमारा खेत है जो कि इसमें धान बोया गया है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग्स में हम अपने खेत में मारेंगे दोस्तों दवा। ये देखिए दवा मारने वाला मशीन है। अभी देखिएगा हम दवा कैसे कैसे मारेंगे दोस्तों। लाइए हम दिखा देते हैं आप लोगों को। ये देखिए दोस्तों मशीन है और डब्बे में दवा है। अभी इसको हम पीठ पे ला देंगे, लाद के उसके बाद में इस खेत में पूरे में छिड़काव करना है दोस्तों इस दवा को, क्योंकि खर है साइड साइड से बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए खर है तो दोस्तों यही सब अभी खर वर को जला देगा ये दवा। और उसके बाद में अभी ब्लॉग में बने रहिएगा। हम अभी जा रहे हैं दवा मारने दोस्तों, क्योंकि हमारा फ्रंट कैमरा ख़राब हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम दवा ला दे लिए हैं पीठ पे। देखिए अभी देखिएगा यहाँ मशीन है दोस्तों, ये चार्जिंग करने वाला मशीन है। तो अभी हम खेत में साइड साइड से मारेंगे। आप लोग वीडियो में देखते रहिएगा कैसे हम मारेंगे दोस्तों। ये यहाँ देखिए बटन पे दोस्तों इसको चार्जिंग करना पड़ता है। ये हो अभी देखिएगा दोस्तों ये चालू हो गया है। इसको दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा, हम जा रहे हैं मारने दवा। अब देखिए स्टार्ट। ये देखिए सब खर जो है ना दोस्तों धान को दबा देता है। तो चलिए आप लोग देखते रहिएगा, हम जा रहे हैं खेत में मारने। गांठ भर फिल्ली कनई में दोस्तों इसको लेकर चलना कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। देखिए इतना सारा खेत में दवा मार चुके हैं, अभी थोड़ा सा और रह गया है। उसके बाद में एक खेत उधर है दोस्तों। खेती किसानी करना बहुत ही मेहनत का काम है। ये नहीं कि मतलब धान बैठा दिया गया हो जाएगा। अभी दोस्तों इसमें बहुत कुछ काम बाकी है। अभी ये दवा मारा जा रहा है, खाद मारा जाएगा, आगे आगे हम सब कुछ दिखाएँगे दोस्तों अपने इस ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे, इसमें नहीं, इसमें तो अभी दवा मार रहे हैं दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए जा रहे हैं मारने, देखते रहिएगा आप लोग। दोस्तों कैसे मार रहा हूँ दवा दोस्तों देख सकते हैं आप लोग। देखिए दोस्तों हमारा फ्रंट कैमरा खराब है, करें दिक्कत होता है। देखेंगे मेहनत करते रहेंगे दोस्तों। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिल जाएगा तो थोड़ा बहुत हम भी कुछ कर सकते हैं दोस्तों। बाकी देखिए हमारा मेन काम यही है दोस्तों, खेती किसानी। देखिए किस तरीके से दवा छिड़क रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मैं कैमरा सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों दवा
दवा का जो लाइन होता है ना, मैं लाइन भूल जाऊँगा तो खर्च नहीं ले लेगा दोस्तों, तो धान को दिक्कत होगा, पैदावार कम हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 50 किलो बीज के लाद के उसके बाद में चल रहा हूँ। आप लोगों को सही से ब्लॉग बना के नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो देखिए अम्मा हमारी देख रहे हैं, दिख रहा होगा दोस्तों। ब्लॉग इसलिए नहीं बना पा रहे हैं सही से क्योंकि कंधे पे 50 किलो का लोड है दोस्तों, और कीचड़ है इतना ज़्यादा कि क्या ही बताए दोस्तों। और उसके बाद में ध्यान से दवा को मारना भी पड़ता है क्योंकि कहीं अगर एक आध पहता छूट जाएगा तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगा। दोस्तों आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, देखते रहिएगा, अभी हम थोड़ा दवा मार ले उसके बाद में आपसे ठीक से बात करते हैं दोस्तों, दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। अब मैं आपसे सही से बात कर पाऊँगा क्योंकि दोस्तों अभी तक मैं दवा मार रहा था, अब जा रहा हूँ घर पे, यहाँ से जाऊँगा दोस्तों घर। ये देखिए पतला पतला पनीर है क्योंकि इसीलिए कैमरा पर नहीं देख पा रहा हूँ दोस्तों। अभी यहाँ से जाऊँगा घर, घर जाने के बाद दोस्तों 9:30 बज गया सुबह का, 6 बजे मैं आया हूँ खेत में दवा मारने। 5 बीघा दोस्तों, 5 बीघा मतलब मैं बता दूँ 2 एकड़ मान के चलिए, 2 एकड़ से थोड़ा सा कम, अगर जिसको बीघा नहीं पता होगा दोस्तों उनको मैं बता दूँ 2 एकड़ के करीब करीब था। आज सुबह 6 बजे से दोस्तों कीचड़ में देखिए कितने कीचड़, एकदम पूरा यहाँ तक पूरा कीचड़ रहता है दोस्तों, और उसी कीचड़ और पानी में इस 50 किलो की वजन की टंकी में पानी भर के और उसमें दवा डाल के और उसमें छिड़काव करना पड़ता है दोस्तों, सोचिए। अभी यहाँ से तुरंत जाऊँगा, नहाऊँगा, खाऊँगा, साइकिल उठाऊँगा, तुरंत काम पे निकलूँगा दोस्तों। 9:30 बज गया है, आज हो गया है लेट। जिस दुकान पे मैं काम करता हूँ वहाँ फ़ोन करके मैंने बता दिया पहले कि भैया थोड़ा सा लेट हो जाएगा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो दोस्तों देखिए कितना हार्डवर्क हम लोगों को करना पड़ता है, हम देहाती लोगों को, किसानों को दोस्तों, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि मतलब हम लोग कितना मेहनत करके अनाज को उगाते हैं दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा क्योंकि अभी आपका भाई इतना ज़्यादा थक गया दोस्तों, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। देखिए मेरे कैसे उबड़ खाबड़ है, चलने में दिक्कत हो रहा है। और दोस्तों ये देखिए समय माता का हमारे यहाँ मंदिर, जय माता की। तो दोस्तों अभी यहाँ थोड़ा समय जी का, माता जी का मंदिर है, यहाँ थोड़ा सा आराम करूँगा उसके बाद जाऊँगा घर। अभी दोस्तों मंजन करूँगा, दोस्तों फ्रंट कैमरा ख़राब है इसीलिए बैक कैमरे से बना रहा हूँ, हाथ वाथ एकदम दर्द करने लगता है। तो दोस्तों अभी यहाँ से जाऊँगा सीधे, नहाऊँगा, नहाने के बाद काम पे जाऊँगा दोस्तों। मान के चलिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क पड़ता है शरीर पे काम करने, आराम ज़िंदगी में दोस्तों मैं बता दूँ एक दिन का नहीं मिल पाता, सिर्फ चैन की ज़िंदगी। सुबह से लगा हूँ, अभी तुरंत जाऊँगा फिर काम पर, वहाँ पर भी लगना पड़ेगा। और दोस्तों आप ही लोग बताइए कि देहाती किसान लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं। ये देखिए समय जी का मंदिर, हमारे समय माता का, जय माता जी। तो दोस्तों इस ब्लॉग को ही अपने माता जी के मंदिर पे एंड कर रहा हूँ दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि मतलब हमारा ये प्रयास कैसा लगा दोस्तों, कुछ नया दिखाने का कोशिश किया था आज के इस ब्लॉग्स में
कि ताकि उन लोगों को पता चल पाए, मतलब जो कि गांव से नहीं है, जो शहर से हैं, कि मतलब हम किसान लोग कैसे मतलब धान को उगाते हैं, कैसे उसमें क्या क्या किया जाता है। तो दोस्तों यही सब प्रयास था। दोस्तों अगर आपके भाई का ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे मेरे भाई, दिल से कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए, और एक एक शेयर लगा दीजिएगा। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत, किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।